इससे पहले आपने भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व में भी बात करी थी, राष्ट्र अमित शाह जी से भी बात करी थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात करी थी, किन मुद्दों पे वो वार्ता रही थी और अभी भदोही में क्या बातें हुई हैं, आपने क्या बातें कही हैं? मेरा तो एक ही मुद्दा है, हमारे समाज का जो आरक्षण है, उनके जो भागीदारी है, उनका जो हिस्सेदारी है, उनका जो रोजी रोटी का सवाल है, जो 70 साल से लूटा जा रहा है। 18% वोट है नदियों के किनारे, नदियों में अंग्रेजों को मार के डुबाया था, मुगलों को मार के डुबाया था, उसके वजह से कानून बना के उजाड़ा गया था, लेकिन 70 साल से ये सताए जा रहा है। इनका संविधान में लिखा हुआ मझवार गांव तुरैया खरवार में, भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि 23% का आरक्षण केवल एक आदमी खा रहा है और 27 का एक खा रहा है। तो हम उसी मुद्दे के लिए पार्टी बनी हुई है, उसी मुद्दे को लेकर हम 2017 में चुनाव लड़े, एक बिना विधायक है, 2018 में गोरखपुर चुनाव लड़े, सपा के साथ रहे, योगी जी हार गए, फूलपुर कैनारा नूरपुर दो दो मुख्यमंत्री हारे, मैं उपचुनाव हारे, 2019 में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आया कि केंद्र और राज्य में इनकी सरकारें हैं, इन्होंने वादा किया था कि आओ हम आरक्षण का मुद्दा आपका हल करेंगे। हम अपने समाज के संघर्ष के लिए खड़ा किए अपने समाज को, चूँकि ये सदियों से कभी सपा कभी बसपा कभी भाजपा में आँख मूंद कर वोट डालता था, लेकिन अब इनके आँख का ऑपरेशन कर दिया, इन्हें एक सेना बना दिया गांव गांव में, कि भाई दलितों ने जिस तरीके से अपनी टोपी अपने झंडे अपने नेता पर विश्वास किया, साथ आ गए, सामाजिक रूप से एक हो गए, राजनीतिक रूप से एक हो गए, तो आज देखो सत्ता में वो आज के दिन में अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा, थाने में 5-15 दरोगा होंगे, 5 हाथी 5 साइकिल, वर्तमान इस समय किसके यहाँ सरकार जिसकी होती है उसके हो जाते, हमारे लोग चपरासी भी नहीं है, खाली बजट में पैसा दे रहे, इतना वोट है। तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद वादा किया था कि आइए हम आपका आरक्षण मुद्दा हल करेंगे, आपको केंद्र और राज्य में ताकत देंगे, पावर देंगे, जिससे आपके समाज के ऊपर जो अत्याचार 70 साल से सताए जा रहे हैं उसे आप खुद दूर करोगे और इसे इंप्लीमेंट करा लोगे। दूसरा, इनके जो भी छीने गए जो बसपा के सरकार में, इनके तालघाट नदी जो तुरंत बहन जी ने छीन लिया था, मतलब इतनी दुश्मनी थी कि गद्दी पर बैठते पहले आरक्षण खत्म किया था मतलब, और दूसरा जो है इन्होंने तालघाट नदी इनकी रोजी रोटी छीन ली थी, उसी मछली मारने में बसपा चली गई, उसी मछली के चक्कर में सपा चली गई, उसी मछली के चक्कर में भाजपा जा रही है, त्रिस्तरीय चुनाव में हमारे लोग नाराज हो गए, अलग हो गए, और इनके लोगों ने नहीं 1-2 सीट मांगा था जिला पंचायत का, नहीं दिए उपचुनाव में, नहीं दिए, तो हमारे लोग नाराज हो गए। हम अकेले मित्र बन के भाजपा के साथ हूँ लेकिन मेरे लोग नहीं हैं, यही कहने के लिए मैं नड्डा साहब के साथ गया था, भाई हम लोग मतलब एक नेचुरल अलायंस है, हम राम के निषाद राज के वंशज हैं और हमारे आप राम के नाम पर मंदिर बन रहा, राम के नाम पर सरकार है, उनके वंशज निषाद राज के लोग भीख मांगे रोड पर, ये कैसा मित्रता है, जो आपने कहा उसे कर दीजिए और आपके ऊपर एक जो है लेबिल लगाओ, भारतीय जनता पार्टी जो कहती जरूर कहती है 370 मंदिर है, तो आज हमारे समाज में एक मैसेज चला गया कि जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है नहीं करती है, 2 साल बीत गया कुछ नहीं हो रहा, अब लास्ट चुनाव है, मित्र हो, इतना नुकसान हो गया है गांव मतलब जमीन स्तर पर, वोट भाग रहा आपका, ये क्यों भगा रहे हैं, ऐसे ऐसे आपके यहाँ पड़े हुए हैं सलाहकार कि आपका वोटवे खराब कर दे रहे हैं, कानून बना दे रहे हैं जिससे निषाद नाराज हो जाए, वही अधिकारी जो सपा बसपा के साथ था वही आपके साथ है और आप वोट नाराज, उसी मछली के चक्कर में सपा बसपा गई भाजपा भी जा रही है, तो कम से कम मछुआरे के बेटा डॉक्टर संजय को पावर दीजिए जो आपने कहा था, जिससे कि इन अधिकारियों पर लगाम लगा सके और इनके ऊपर जो अन्याय किया गया जो काला कानून बना उसे हटवा सके। दूसरा बात कहना था, आज देखिए और ज्यादा कि जो शेर सिंह राणा फूलन देवी के हत्यारे थे, जो हत्या में खुद ही अपने को स्वीकार किया और सजा हो गई हो, उसे पेरोल पर छोड़कर आज के दिन में राजनीति कराया जा रहा है, तो 18% वोट को इरिटेट कराया जा रहा है, ये तो भाजपा को सोचना है ना कि 18% वोट नाराज हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये कौन लोग करा रहे हैं, ऐसे संरक्षण दिलाएंगे कि रोड पर खड़ा करके प्रदर्शन कराएंगे, उन्हें जेल भी नहीं भेजेंगे, तो आखिर पेरोल का क्या मतलब हुआ, किस तरीके से राजनीति हो रही है, तो भाजपा को खुद सोचना चाहिए कि इतना छेदा हो रहा, तो छेदा जो होगा जो हो गया है भाजपा में उसे मछुआरे का बेटा ही बंद कर पाएगा और उसे छेदे को बंद करने के डॉक्टर संजय, इसीलिए आज के दिन में जो हमारे दिल्ली दरबार थी सभी उनके महासचिवों से सबसे सही सही बात बता दिया कि बिंदुवार बता दिया, आरक्षण का मुद्दा हमारा पहले, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए जेल भी गए हमारे लोग, पूरे हर कोई जिला नहीं बाकी होगा जो हमारा संगठन न हो, हर विधानसभा में 15-20 हज़ार वोट है हमारे लोग, 70 से 80 हज़ार वोट हमारे 70 सीटों पर हैं, 150 सीटें मछुआ बाउल हैं, 7 नदियां बड़ी बड़ी हैं, 1000 झीलें हैं, हर गांव पोखरे हैं, सब जहाँ कोई गांव बाकी नहीं, जाने साध ना हो, ऐसे वोट बैंक के साथ आप कहें अन्याय कर रहे हैं और इसको खिसकने न दीजिए, हम तो मित्र हैं आपके साथ रहेंगे, जब तक आप अपने दरवाजे से हटाओगे नहीं तब तक रहेंगे, लेकिन ये जो वोट वाले समाज जो निर्णय ले रहा है वो भाग रहा है उसे आप जो क्यों दूर बना रहे हो, आप इनका काम कर दीजिए, उसके लिए हम अपने सेना को बनाने के लिए कहा गया कि किसी बड़े लक्ष्य
प्राप्त करने का अनुशासित संगठन और एक सशक्त संगठन अनुशासित कार्यकर्ता चाहिए। पॉलिटिकली ट्रेंड लोग आज पावर में हैं, पॉलिटिकली अनट्रेंड लोग पाँव में हैं। हमारी संख्या पॉलिटिकली अनट्रेंड है और पॉलिटिकली ट्रेंड लोग जो पौआ भर लोग आज देखो पावर में है, झउआ भर लोग उनके पाँव में हैं। तो झउआ भर वोट पर पौआ कहले भी लगाया था, इसलिए मैं गाँव में एक रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर, ये पॉलिटिकली बेहोश हैं। बेहोश आदमी का जो चाहो वो लूट लो, जैसे चाहो इसे उनका छीन लो। तो उनको होश मिलाने के लिए उनके पास हमने एक सेना बनाई है, एक टीचर बनाया है कि रीच द वोटर, वोटर के पास जाना है, ट्रीट मतलब उन्हें होश मिलाना, फिर टीच द वोटर उन्हें पढ़ाना है भारतीय राजनीति को कि जब अंग्रेज आए थे तो एक डॉलर एक बिस्कुट खरीदने के लिए $20 लेते थे, देना पड़ता था। जब 300 बरस में भाग के जाने लगे तो एक डॉलर जो है एक बिस्कुट $1 में पाने लगे। आज एक डॉलर आता है तो 76 बिस्कुट पाता है, इसके मतलब हम 76 गुना गरीब हो गए। ये गरीब बनाने वाले बटन से दूरी बनाओ और डॉलर की कीमत घटाओ और रुपए की कीमत बढ़ाओ, वो है निर्बल इंडियन शोषित हमारा। ये उन्हें ट्रीट किया जा रहा और फिर सही जगह बटन दबाने। इसका नतीजा हुआ कि हमारे समाज के लोग कांग्रेस को 2014 में छोड़ दिया, 2017 में सपा बसपा को छोड़ दिया, अब 2018 में आज भाजपा को छोड़ दिया था। गोरखपुर और फूलपुर कैराना नूरपुर में दो दो मुख्यमंत्री हारे थे। 2019 में किया फिर समाजवादी पार्टी ने, हमारे लोग नाराज हो गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, निर्णय ले लिया। देख लो सपा बसपा एक हो गई, लेकिन फिर भी निषाद एक हो गए माननीय प्रधानमंत्री के साथ। हमने 40 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जो 65 सीटें उसमें हम लोगों ने विजय दिलाई, 1,00,000 से लेरा। उनके सांसद खुद कहते हैं, वो बेचारे खुद कह रहे हैं हम कह के थक गए, हमारी बात भारतीय जनता पार्टी नहीं सुन रहे कि डॉक्टर संजय नहीं आते तो मैं MP नहीं जीत पाता, हार जाता। तो अगर इतने वोट बैंक को हम लोगों ने सही जगह डलवाया है कि हमारे लोग अब सही जगह वोट डालो, तो अपने आरक्षण के मुद्दे के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी 2022 की चुनाव की तैयारी है, 160 सीट निषाद बाउल है, 70 सीटें ऐसी हैं जो हम 70-75 हज़ार से, वो एक नंबर की सीट है, मैंने पहले बता दिया। जहां हम बूथ गठन कर रहे हैं उसको हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसे हमें आप भले आप हमें ढकेल दें दरवाजे से, लेकिन उसे हम जरूर लड़ेंगे। समाजवादी और बसपा ने जो गलती करी, अगर भारतीय जनता पार्टी भी गलती करती है तो क्या 2022 में आप कोई और दल के साथ जुड़ जाएंगे? नहीं, ये पहले बताओ, किसी को दुख दे के सुख तो प्राप्त नहीं कर सकते ना। सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने दुखे दिया ना, इस बड़े समाज को दुख दिया, तो आप देखो दुख पा रहे हैं। ये भी अगर दुख देंगे तो दुखे पाएंगे, दुख दिया तो देख लो त्रिस्तरीय चुनाव में कोई प्रदेश में जो वादे किए गए थे, आपने जो बातें अगर उनको निश्चित रूप से देखो कहे तो वही, हमने तो कुछ मांगा ही नहीं, हमारा समाज मांगने वाला आए नहीं, देने वाला, हम लोग वोट देते रहे। कहा तो उन्होंने है ना, उन्होंने ही कहा कुछ हम राज्यसभा भेज देंगे, राज्यसभा उन्होंने कहा कि हम जो है केंद्र आपका आरक्षण दे देंगे, उन्होंने कहा पहले आरक्षण आपका हल करेंगे आप, उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट दूंगा, आप अपने समाज की बढ़िया सेवा करना और जो आपके साथ दर्द हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में भी किसी पोस्ट की आप मंशा रखते हैं कि कोई है, क्योंकि जो भदोही में आपने बात करी उसमें उपमुख्यमंत्री की बात कही है। देखो मेरा समाज निर्णय ले 2017 में, मेरा समाज निर्णय लिया 2013 को, संकल्प लिया इलाहाबाद के किले पर कि हम लोग कभी राजा थे, कलम चलाते थे तो प्रजा सुखी थी। आज प्रजा दुखी इसलिए है कि कोई दूसरे लोग कलम चला रहे हैं, तो इसलिए कलम की ताकत अगर उत्तर प्रदेश में मछुआरों के बेटा मिलेगा तो कैसे सुख आएगा जनता को, हमारे पास है तो निश्चित रूप से हम लोगों ने हमारे समाज के लोग हमारे लोगों का चेहरा ही है कि हम निषाद के बेटे मुख्यमंत्री बनाएंगे। सारी बिरादरी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सब लोग आज के दिन में स्थापित है, जिनके मुख्यमंत्री उनके लोग थाने और कचहरी हर जगह भरे हैं। हमारे लोग मुख्यमंत्री हमको अपने दिल में डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो मैंने तो सरकार भारतीय जनता पार्टी को मैसेज दे दिया कि डॉक्टर संजय के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया जाए, उप मुख्यमंत्री पेश किया जाए। अभी 2022 में देखिए कैसे सरकार बनती है, कैसे सरकार आती है। अरे जितना भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं, हम चाहते हैं हमें उप मुख्यमंत्री दिया, जो मुख्यमंत्री वो लिए रहे हैं, हमें कुछ नहीं है, हम लोग उस अभी उस शक्ति में जितना शक्ति उतना दें, चूँकि अब उनके पास है ना, उन्होंने खुद ही कहा था कि हम आपको पावर देंगे, तो पावर तो तभी होगा जब मुख्यमंत्री रहेंगे ना, ये अधिकारी तो तभी कानून बनेगा ना, वो काला कानून मायावती का बनाया हुआ तभी हटेगा ना जब उस लायक रहेंगे ना। हम लोग नालायक मंत्री बन के क्या करेंगे जब अधिकारी नहीं सुनेंगे। तो प्रदेश के कौन कौन सलाहकार हैं जो आप बता रहे हैं जो गलत राय देते हैं और जो आप लोगों का नहीं चाहते हैं कि आरक्षण या आप लोगों की बातें बस वही जो कांग्रेस के समय घिचे पीटे थे तो बसपा में घुस गए, उन्हें खा गए मछली मारने के चक्कर में, निषादों नाराज किया, आरक्षण खत्म किया। मेरा नाम आरक्षण में मझवार गौड़ तुरैया खरवार भाई वो अधिकारी हैं, कोई सब चिन्हित सारे लोग जानते हैं, नाम नहीं लेना। आज वही बसपा के अधिकारी सपा में आ गए, वो भी निषादों नाराज कर दिया। वही अधिकारी इस समय भारतीय जनता पार्टी में आए हैं कि जो निषाद एक ही जमीन हो, मान लीजिए
ग्राम सभा की, अगर ऊंचे है तो दलित को मिलेगा तो उसे सरकार पैसा देगी, पानी भर गया तो इससे पट्टा देकर इसे पैसा लेगी, ये अन्याय है ना, दोहरी नीति कैसी है। और आज के दिन में पट्टा में 4 साल में पैसा देते थे 1,25,000, अब उसे अधिकारियों ने 15 गुना बढ़ा दिया, मतलब 15 लाख, और लिख दिया 15 दिन में जमा करना, किसी तरीके जेवर 2-4 लाख जमा किया और 15 दिन में लॉकडाउन का नहीं जमा कर पाया, और देख लीजिए नहीं जमा कर पाया, टेंडर कैंसिल हो गया, मछली भरे, वही तो मैंने कहा अमित शाह और नड्डा साहब से, मछली नहीं भरे वोट बह रहा है, इन अधिकारी वोट बह रहा है, गुस्सा लगा रहे हैं, वो हमारे लोग वोट दिए थे, वो हमारे हमको घेर रहे हैं, वो रो रहे हैं कि इसीलिए हमने वोट दिया था कि जो दर्द बहन जी ने दिया, जो दर्द सपा ने दिया, जो दर्द कांग्रेस ने दिया, वही उससे उस दर्द को आप बढ़ा रहे हो। अरे यार दर्द घटाने के लिए आए थे हम आपके साथ, दर्द तो अधिकारियों घटाओ। ये ऐसे सलाहकार हैं, देख लो आज के दिन में कि जो फूलन देवी के हत्यारे हैं शेर सिंह राणा, उन्हें पेरोल पर बाहर ला के इरिटेट कराया जा रहा है, बहुत क्षत्रिय हैं, हम कहते हैं 18% वोट को नाराज कराया जा रहा है ना, प्रदर्शन कराया जा रहा है, कौन सा पेरोल है, माँ बाप के मरने शादी विवाह में पेरोल मिलता है कि राजनीति करने के लिए पेरोल मिलता है, वो 18% वोट को इरिटेट कराना है, रोड पर प्रदर्शन कराना, शेर सिंह 18% वोट नाराज हो गया, त्रिस्तरीय चुनाव देख लीजिए, मेरा समाज जब गुस्से में आता है तो कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस देख लीजिए कहाँ चली गई, सपा बसपा को छूना बंद कर दिया, त्रिस्तरीय चुनाव में भाजपा को छूना बंद कर दिया, तो ये तो मैं कह के आया, मैं मित्र हूँ, आगे भी रहूँगा, जब तक आप दरवाजे हटाओगे नहीं तब तक रहूँगा, लेकिन हमारे समाज के लोग खिसक गए हैं, उन्हें अगर ये दे देते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।